बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है हमारे पास कि थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एक तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है 2.3 की बॉक्स के साथ, हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो फ्रैक्शन आए बॉक्स में वो जब हम सॉल्व करें तो 10/30 होना चाहिए। देन हमें इसके अंदर एक पार्ट हो रहा है कि इसको हमें एक इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, कर देते हैं, ऐसी सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझना, बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा। यहाँ पे पता है फ्रैक्शन आना है या क्या आना है, कोई होल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है बॉक्स से, बॉक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, भाई जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगी ना, तो जो हमें क्या देगा 10/30 देगा। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 और इधर क्या है 10, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा, देखो इसको ध्यान से समझना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एन, 3 मल्टीप्लाई बाय डी यानी डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू, ठीक है ये साइन क्या है इक्वल का, मतलब इसका न्यूमरेटर इसमें जो टोटल में न्यूमरेटर आएगा और इधर जो न्यूमरेटर है सेम होना चाहिए तभी तो इक्वल है। देखो एक चीज देखो, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 हो जाए, ये बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए, 5 से, यानी 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इधर 10 बन जाएगा, इधर का न्यूमरेटर बन जाएगा। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए, 10 से ही होगा, बिल्कुल होगा, इधर 5 से करेंगे, इधर किससे करेंगे 10 से, 3 × 10 = 30 विच इज इक्वल टू 10/30। ठीक है जी, अब ये क्या थे मेरे पास, ये मेरे क्या हो गए, जो मुझे फ्रैक्शन चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया इस बॉक्स का 5/10। ठीक है ना, इस तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या था, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, इसकी निकालो बात एक ही है, ठीक है जी, क्योंकि इक्वल है तो 10 से डिवाइड कर दे दोनों को, क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/3, सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं, बड़े आसानी से हो जाती है। सेम करेंगे ये 3/5, डब्बे में हम क्या लिख सकते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक है जी, और इधर क्या है हमारे पास 24/75, क्लियर। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 हो जाए, सिंपल सी चीज सोचो भाई, सिंपल सी चीज है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 24 था, नहीं आया तो क्या करा करो कि 24 को 3 से डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा, 8 पे जाएगा ना, ये चीज होती है। तो मैंने क्या किया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 24 हो जाए 8 से, यानी कि 3 × 8, ठीक है जी। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 75 हो जाए, बताओ 75 डिवाइड करके देख लो 5 से 15 से, ठीक है जी। अब ये क्या थे मेरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 8/15, ओके, तो मेरे पास जो मेरे को वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई 8/15, जो बॉक्स के अंदर वैल्यू आनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों मेरे पास, कि मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है इनकी, तो दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 4+2 = 6, 7+5 = 12, 3 के टेबल में हो गया ना, तो 3 से डिवाइड कर लो इसको, चलिए कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25, आई थिंक 25 भी आएगा ना, जी हाँ, ओके, तो ये हो गया आपके पास 8/25, और तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ये इसका क्या था डब्बे का आंसर, ये क्या था सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4, तो जो भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आई थिंक अब स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, थैंक यू।